रोहड़ू उपमंडल के चिड़गांव तहसील के डुंगियानी में हुए भीषण अग्निकांड के 3 दिन बाद ही अब पेखा पंचायत के शिव शताब्दी गांव आग की भेंट चढ़ गया है। आग से जहां 7 मकान जलकर राख हुए हैं, वहीं 3 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं, जिनमें एक की मौत बताई जा रही है। सुबह 4 बजे लगी आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। दमकल गाड़ी और प्रशासन की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई है। एसडीएम रोहड़ू बीआर शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर 7 घर जल चुके हैं और नष्ट हो गए हैं और इसमें 10 परिवार बेघर हुए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं उपप्रधान ग्राम पंचायत निचार, जिला महामंत्री भाजपा जिला किन्नौर, मैं आप सभी जनमानस से अपील करता हूं कि ये वैश्विक महामारी कोरोना को हराने के लिए आप अपने घर पर रह करके ही सरकार का सहयोग करें, मुंह पर मास्क लगा करके घर से बाहर निकले, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। नमस्कार मित्रों। अब जनहित के लिए यह संदेश। नमस्कार, मैं प्रधान ग्राम पंचायत धारकंद्रू योगराज शर्मा पंचायत के सभी लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना जैसी इस महामारी में आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और घरों से निकलते वक्त मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में पंचायत को सूचित करें। पंचायत हर वक्त आपकी सेवा के लिए हाजिर है। धन्यवाद। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।